एक शिक्षाविद जो शहरों से दूर अपने कस्बे में सिर्फ इसलिए कॉलेज की शुरुआत करता है कि जहां उसने बचपन के अच्छे बुरे दिन देखे, जहां वो बड़ा हुआ वहां पर वो एक ऐसे शिक्षण संस्थान की शुरुआत करे जो राष्ट्रीय स्तर का हो, और उस शिक्षण संस्थान में वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिले बल्कि उस कस्बे का नाम भी रोशन हो। और इसी में वो और उसका परिवार पूरी जिंदगी झोंक देता है। उस शिक्षण संस्थान में वो व्यक्ति अपनी पूरी जवानी लगा देता है और उस संस्थान को उस उच्च स्तर तक ले आता है। और फिर एक दिन आता है कि कुछ असामाजिक तत्व और उनके साथ कुछ विशेष तरह के नफरती मीडिया सिर्फ उस शिक्षण संस्थान को और उस व्यक्ति को इसलिए टारगेट करते हैं, इसलिए उसके कॉलेज के आगे प्रदर्शन करते हैं, बोर्ड जला देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष समुदाय का है, क्योंकि उस शिक्षण संस्थान का डायरेक्टर संस्थापक मुसलमान है, जबकि उस संस्थान में 97% बहुसंख्यक समुदाय के हैं, 200 के करीब प्रिंसिपल प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सब के सब बहुसंख्यक समुदाय के हैं, लेकिन कुछ चंद टुच्चे से लोग असामाजिक तत्व हिंदुत्व की दुहाई देकर जिस प्रकरण से कॉलेज का संस्थान का लेना देना नहीं है उसमें नाम घसीटकर हंगामा कर देते हैं। और कमाल की बात है दोस्तों कि पुलिस सब कुछ जानते हुए बस तमाशबीन बनकर रह जाती है। और अगर इस तरह से किसी शिक्षाविद को और उसके संस्थान को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाए क्योंकि वो मुसलमान है तो सवाल उठाने तो लाजमी है। और ये सवाल उठे भी, और शुक्रवार को इस नफरत के खिलाफ और गुंडाई के खिलाफ उसी संस्थान के प्रिंसिपल और स्टाफ खड़े हो गए हैं और एक आवाज में उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा संस्थान पिछले 22 वर्षों से कई हजार विद्यार्थियों को बिना भेदभाव के शिक्षित करता आ रहा है, उसमें से कई उच्च पदों पर आज बैठे हैं, जो महाविद्यालय सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल बना हुआ है, जहां पर हिंदू त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, उस महाविद्यालय को इस तरह बदनाम नहीं होने देंगे। और इस तरह बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। आज शुक्रवार को कपासन के आरएनटी महाविद्यालय में सभी प्रिंसिपल और कॉलेज के अधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता बुलाई जिसमें उन्होंने बताया कि आरएनटी महाविद्यालय को कुछ असामाजिक तत्व और कुछ पीत पत्रकारिता करने वाले फर्जी पत्रकार लगातार टारगेट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक फर्जी और नफरती खबरें फैलाकर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। और इस महाविद्यालय को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इस महाविद्यालय के संस्थापक एक मुस्लिम हैं जिनका नाम डॉक्टर वसीम खान है, जिन्होंने इस महाविद्यालय की नींव रखी थी और आज इसी परिसर में लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, पीजी कॉलेज, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी, बीसीए कॉलेज संचालित होते हैं और अब तो राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर कॉलेज भी हो गया है। अब इसमें जहां 97% बहुसंख्यक स्टाफ है, 97% बहुसंख्यक छात्र हैं, जहां हर तीज त्योहार चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो या ईसाई का हो, पूरे सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के महाविद्यालय को चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते महाविद्यालय की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। आरएनटी महाविद्यालय के प्रोफेसर एल के दशोरा बताते हैं कि कुछ दिनों पूर्व 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली और इसमें कॉलेज का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों ने महाविद्यालय में हिंसा भड़काने का काम किया, तोड़फोड़ की गई। एक छात्र जो कि 2 दिन पहले विद्यालय में आता है और सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, उसका सुसाइड नोट भी मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन समाप्त कर रहा है, इसमें कोई परिजन या महाविद्यालय का कोई लेना देना नहीं। बावजूद इसके महाविद्यालय के खिलाफ सोशल मीडिया पर और कुछ समाचार पत्रों में भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। इसके अलावा 2 दिन बाद एक छात्र अपने कमरे पर सुसाइड कर लेता है जो कि महाविद्यालय में भी नहीं है, बाहर है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती महाविद्यालय के खिलाफ माहौल बनाकर तोड़फोड़ आगजनी की जाती है और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिन घटनाओं में साफ है कि महाविद्यालय का कोई लेना देना ही नहीं, उन घटनाओं को लेकर महाविद्यालय का नाम खराब किया जाता है, भ्रामक खबरें फैलाई जाती है क्योंकि महाविद्यालय का संचालन मुसलमान करता है। इसलिए इस महाविद्यालय के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश कुछ असामाजिक गुंडा प्रवृत्ति के लोग और पीत पत्रकारिता करने वाले कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में आरएनटी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सभी ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ फर्जी खबरों के जरिए
और कुछ असामाजिक गुंडों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जा रहा है, और वो माहौल सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि महाविद्यालय का संचालक एक मुसलमान है। शिक्षा जैसे क्षेत्र में इस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम से नफरत फैलाना सिर्फ कस्बे और राज्य के लिए ही नहीं, देश के लिए भी ठीक नहीं है। प्रेस वार्ता में आरएनटी महाविद्यालय की तरफ से कई ऐसे स्क्रीनशॉट्स उपलब्ध करवाए गए जिसमें महाविद्यालय को बदनाम करने के लिए फेक खबरें फैलाई जा रही है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, और कपासन जैसे शांत कस्बे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। महाविद्यालय की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई जा रही है, और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। इस महाविद्यालय की स्थापना में पहली बार कपासन की भूमि पर तत्कालीन राज्यपाल महोदय श्रीमान अंशुमान सिंह जी एवं तत्कालीन शिक्षा मंत्री अन्य CP साहब यहाँ पधारे और उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। तब से लेकर आज तक RIT ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कपासन में RIT PG कॉलेज के बाद मान्यवर 2003 में यहाँ जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पर RIT लो कॉलेज की स्थापना हुई, 2005 में BA कॉलेज की स्थापना हुई। और बात बताएं कि कहाँ RIT गलत है, क्यों RIT के अंदर जितने सारे लोग एक समुदाय विशेष का सहारा लेकर इस प्रकार की गलत सूचनाएं प्रेषित करना, तो नेचुरल है कि ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। अगर सनातन धर्म की बात करके इस प्रकार का मीडिया पर गलत प्रचार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आज ही हमारे यहाँ के 3 बच्चों का अपनी यूनिवर्सिटी की मृत्यु होने वाला है, तो इस तरह का यूनिवर्सिटी पर ये पूरे देश का आरोप करने का मकसद हमारा ये था कि जो गलत प्रचार हो रहा है उस गलत प्रचार में आपकी कुछ शंका समाधान को भी अंतर है, लेकिन कम से कम इस गलत प्रचार को रोका जाए और एक अच्छी इम्पोर्टिव इशू के सामने आ रही है उसके बदलाव में शुरू किया जाए, उस इशू की ग्रोथ में आपकी भागीदारी बने और हम सब मिलकर देश कपासन की भूमि में एक अच्छा शिक्षा की नगरी बनाने में हमारा सहयोग देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई शंका है, तो आप